नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि किसी विद्यालय के शिक्षकों का औसत वेतन ₹1500 है। दो शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन ₹2000 बढ़ गया और औसत वेतन ₹50 घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो हमने मान लिया कि वर्तमान में जो शिक्षक हैं वह कितने हैं? x हैं। अब x छात्रों का औसत वेतन कितना था? 1500, यानी एवरेज कितना था? 1500। टोटल कितना निकल के आएगा? 1500x। ये क्या है? 15 शिक्षकों की वेतन, मतलब कुछ शिक्षकों यानी एक्स शिक्षकों की वेतन का योग है 1500x। अब उसने दूसरी कंडीशन की ही कही है कि दो शिक्षकों की नियुक्ति के बाद, अभी शिक्षक कितने हैं? एक्स। अब नियुक्ति कितने शिक्षकों की हो गई? दो की। तो क्या लिख दिया हमने? एक्स प्लस दो। दो शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन ₹2000 बढ़ गया और औसत वेतन ₹50 घट गया। यानी जो इनका एवरेज था 1500, उसमें से 50 घट गया, तो कितना बचेगा? 1450। इनका योग निकालेंगे तो इसमें इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1450 और x प्लस 2। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आई। अब उसने तीसरी कंडीशन इसमें एक और कह दी कि कुल वेतन ₹2000 बढ़ गया। पहली कंडीशन में जब एक्स छात्र थे, एक्स टीचर थे, तो कितना कुल वेतन था? 1500x। दूसरी कंडीशन में जब दो टीचर बढ़ गए तो 1450x प्लस 2, ये योग था। लेकिन यह योग क्या था? इसमें ₹2000 बढ़ गया। तो हमें जब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा तो इसमें हमें ₹2000 और जोड़ना पड़ेगा, जब ये दोनों कंडीशन हमारी बराबर होगी। इसको सॉल्व कर देंगे, यहां पर 1500x प्लस 2000 यहां पर गुणा करेंगे तो 1450x प्लस, यहां 2 का गुणा होगा तो 1429 हो जाएगा। अब 1450 इधर चला जाएगा तो 1500x माइनस 1450x बराबर 2900 माइनस 2000, तो यहां बचेगा 50x बराबर 900, तो x बराबर 900/50। काटेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 40 हो जाएगा, तो 5 8 40, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 18। यानी वर्तमान में शिक्षकों की संख्या हमने x मानी थी, तो वर्तमान में शिक्षक कितने हो गए? तो वर्तमान में जो शिक्षक हैं वह हैं 18। ठीक है, अगर हम हमसे पूछ देते कि दो शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल शिक्षक कितने थे, तो 18 में हम दो जोड़ देते तो 20 निकल के आ जाता। ठीक है, तो आपने हम देखा कि हमने x माने थे वर्तमान में शिक्षकों की संख्या x है, उनकी एवरेज वेतन है 1500, दोनों का गुणा किया तो ये कितना निकल के आ गया? 1500x। दूसरी कंडीशन उसने दी थी कि दो शिक्षकों की नियुक्ति हो गई तो शिक्षक हो गए x प्लस 2 और औसत वेतन ₹50 घट गया, तो हमने 1500 में से 50 घटा के 1450 लिखा था, योग करना था तो हमने इन दोनों का गुणा कर दिया। अब उसने कंडीशन दी थी कि कुल वेतन ₹2000 बढ़ गया, तो हमें जब ₹2000 इसमें बढ़ा है तो इसमें और जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो दोनों कंडीशन बराबर होगी। इसको सॉल्व कर दिया, एक्स की वैल्यू 18 निकल के आ गई। यानी वर्तमान में शिक्षकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो टोटल शिक्षक हैं वह है 18। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।